हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। हाउ डज दिस सेइंग स्टैंड ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो बच्चों, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब आवश्यकता ही आविष्कार को जन्म देती है, राइट? आपको मतलब अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, नेसेसिटी है, तो ही आप उस चीज़ को इन्वेंट करने की कोशिश करोगे या अपने काम को आसान करने की कोशिश करोगे। ये सेइंग हिज फर्स्ट फ्लाइट स्टोरी में कैसे सही बैठ रही है? हियर द की कॉन्सेप्ट इज नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। व्हेन वी हैव नो एनी अदर ऑप्शन इन लाइफ, आवर माइंड बिकम्स एक्स्ट्रा क्रिएटिव एंड कम्स विद अ वे आउट। देखिए, तब भी हम जिंदगी में ना किसी भी ऑप्शन के साथ नहीं रह जाते हैं, मतलब आपके पास एक ही काम है और वो आपको करना ही करना है और उसकी कोई भी दूसरी वे नहीं है। तो उस समय आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बन जाते हो और उस चीज़ से निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हो। इन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट द यंग सीगल इज अफ्रेड टू टेक अ फ्लाइट सिंस इट इज कंफर्टेबल इन द मीन टाइम। हिज फर्स्ट फ्लाइट स्टोरी में जो यंग सीगल है वो उड़ने से बहुत डरता था, लेकिन वो उसके लिए बहुत कंफर्टेबल टाइम भी था। व्हेन हंगर स्ट्राइक्स देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन अदर देन ट्राइंग टू रीच आउट फॉर फूड। अब यहाँ पे हमको नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन का एक एग्जाम्पल दिया है यंग सीगल के रूप में, कि यंग सीगल जब बहुत ज़्यादा भूखा था और उसको कोई भी खाना नहीं दे रहा था उसकी फैमिली मेम्बर्स में से, तो उसके पास और कोई चारा ही नहीं रह गया अपने आप खाना ढूंढने का। इट फाइनली शिफ्ट्स इट्स फियर टू फूड एंड फॉरगॉट्स दैट इट डज नॉट नो हाउ टू फ्लाई थ्रू दिस। इट फाइनली टेक्स इट्स फर्स्ट फ्लाइट। और अब उस यंग सीगल ने फाइनली अपना डर जो है वो खाने की तरफ शिफ्ट कर दिया था और वो भूल चुका था कि उसको उड़ना नहीं आता या कैसे उड़ा जाता है। और फाइनली उसने उस फूड के लिए और अपने हंगर के लिए वो पहली उड़ान भरी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।